इस साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी जी तोड़ मेहनत करने में लग रहे हैं। आज से राहुल गांधी का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा शुरू हो रहा है। कांग्रेस नेता एम रामचंद्रप्पा ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक के अपने तीसरे दौरे के दौरान राहुल गांधी उडुपी, दक्षिण कन्नड़, चिकमंगलूर और हासन जिलों का दौरा करेंगे और कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल इस दौरे के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वो उडुपी में राजीव गांधी राजनीतिक संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी स्थापना उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर की गई है। राहुल इन 4 जिलों में मंदिर, दरगाहों और चर्चों में भी जाएंगे। राहुल गांधी भूतपूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का घर माने जाने वाले हासन में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो आज मंगलोर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो आज कर्नाटक के तटीय इलाकों और कॉफी का कटोरा कहे जाने वाले जिलों चिकमंगलूर और हासन का भी दौरा करेंगे।